कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी के मामले में ना देखा साउंड देखो आप कंपनी का लगा जो है ना उसको भूल जाओगे। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो क्या हाल है सबके, आई होप सब बढ़िया होगे। तो मेरे पास ना काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने कौन सा स्टीरियो लगवाया है और किस कंपनी का है, कैसा परफॉर्मेंस है, कोई लैग वगैरह तो नहीं है। तो सारी चीज़ें ना आज मैं इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर करूँगा। तो मैं आपको बताऊँगा मैंने कहाँ से स्टीरियो परचेज़ करा है और कितने का मेरे को पड़ा और कौन सी कंपनी का है, क्या परफॉर्मेंस है सब बताऊँगा, कितने GB है, इंटरनल उसकी कितनी है, सब चीज़ें मैं आपकी ना इस वीडियो में आज क्लियर करूँगा। और आप देख सकते हो मैंने ये लगवाया हुआ है 10.5 इंच का। तो अभी ड्राइवर सीट के ऊपर बैठ के उधर मैं बताऊँगा आपको कि क्या परफॉर्मेंस है इसकी, क्या नहीं है। तो आप बाकी देख लो, इसकी खूबसूरती देख लो कितना अच्छा लगता है ये लगने के बाद। और डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह सारे पॉइंट आपके ना इस वीडियो में मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो पहले ना उधर चलते हैं क्योंकि मैं आपका टाइम नहीं ना वेस्ट करना चाहता, ना ही खुद का। तो चलो पहले इसके अंदर बैठते हैं। तो अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ और डिस्प्ले की क्वालिटी आप चेक कर लो कि डिस्प्ले की क्वालिटी इसकी क्या है। और अभी तो ब्राइटनेस इसकी कम है, ये देखो ये इसकी बिल्कुल लो ब्राइटनेस है। इस पर भी आप देख लो और थोड़ी ब्राइटनेस इसकी बढ़ाते हैं। और ये भी देख लो आप, टच रिस्पॉन्स देखो आप पहले कितना अच्छा है ना। तो चलो खैर, ये चीज़ें मैं आपको अब वीडियो में सारी बताऊंगा क्या है। भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है TS10 Pro OLED डिस्प्ले वाला। इसमें दो मॉडल आते हैं और ये मैंने दिल्ली से मंगवाया था। दिल्ली में अपने एक भाई हैं, जानकारी हैं, उनसे मंगवाया था मैंने। तो उनका पता भी मैं बता देता हूँ आपको कि कहाँ से मंगवाया। उनका एक चैनल भी है कार म्यूजिक सिस्टम के नाम से, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आप पहले ये देख लो, कार म्यूजिक सिस्टम, और इनका ये चैनल है। आप इनके चैनल पे जाके इसकी वीडियो भी देख सकते हो, काफ़ी सारे मॉडल हैं इनके पास। तो मैं भी जैसे नॉर्मल एक बंदा यूट्यूब चलाता है तो मैं भी यूट्यूब ही यूज़ कर रहा था, तो मेरे को ये शो हुआ इनका, तो मैंने देखा उसके अंदर मतलब काफ़ी सारे स्टीरियो। तो मेरी इनसे व्हाट्सएप पर बात हुई तो काफ़ी जानकारी मिली और भाई ने काफ़ी हेल्प भी करी कि मेरे लिए कौन, मैं मतलब गाड़ी के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। तो भाई ने काफ़ी हेल्प करी, ये नहीं है कि भाई को बेचने तक का मतलब है कि हाँ मैं बेच लूँ, नहीं भाई, भाई ने ना मतलब जेन्युइन एडवाइस देते हैं कि ये चीज़ सही है, ये गलत रहेगा। तो काफ़ी चीज़ें मेरे डाउट भी थे, तो सब चीज़ें, क्योंकि हर एक बंदा ना नया लेने से डरता है। मेरे को चाहिए था लैग फ्री, बिल्कुल लैग नहीं होना चाहिए सिस्टम के अंदर, और टच उसकी इतनी स्मूथ होनी चाहिए कि जैसे फ़ोन की टच होती है। तो भाई ने मेरे को ये रिकमेंड करा था, ये आप देख सकते हो, ये है भाई 10.5 इंच का। नॉर्मली जो गाड़ी में आता है 9 इंच का आता है, लेकिन भाई ने ना इसमें मेरे को 10.5 इंच का रिकमेंड करा था कि ये लगवाओ, इसके आगे आप सब भूल जाओगे। भाई इसके अंदर ना ये, इसको बोलते हैं, इस स्टीरियो को बोलते हैं कि VMW टाइप स्टीरियो, उसमें इस तरीके का स्टीरियो होता है। तो भाई ने ये रिकमेंड करा था और मैंने फट से भाई की एडवाइस को माना और इसको ऑर्डर कर दिया था। और ये मेरे को तकरीबन पड़ा है 12,000 रुपये में। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक 2 GB 32 GB, एक 4 GB 64 GB। तो मैंने 4 GB, और मैं दिखा भी देता हूँ कि मैंने कौन सा मंगवाया हुआ है, यहाँ से आप चेक कर लो। और ये देखो 4 GB 64 GB मंगवाया है मैंने, यहाँ पर आप मॉडल नंबर चेक कर लो, TS10 Pro, मैंने यही बोला था ना आपको। और इसका रेजुलेशन मोनिटर देखो, डिस्प्ले का रेजुलेशन भी देख लो, 1280 और 720 रेजुलेशन है इसका। और अगर आप 10,000 रुपये वाला मंगवाओगे ना, उसमें यहाँ पे जो 1280 है वहाँ पे 1080 मिलेगा, तो थोड़ा सा ये फ़र्क है। और 4 GB 2 GB रैम प्लस हो जाएगी, 32 GB आपकी इंटरनल, और उसकी डिस्प्ले में और इसकी डिस्प्ले में थोड़ा सा फ़र्क भी है। इसकी डिस्प्ले थोड़ी ज़्यादा स्मूथ है, उसकी कम है। और बाकी ना इस पर ये की पैड वगैरह दिए हुए हैं, ये इसका वॉल्यूम का है, और इसको आप अपने तरीके से जो जहाँ भी हैंडल करना, ये मैंने इसको सेट करा हुआ है म्यूट पे, तो अभी ये म्यूट हो जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। और एक इसके अंदर एप्लीकेशन है Z-Link के नाम से, ये देख लो आप, इसके ज़रिए आप अपने फ़ोन की ना मतलब मैं करके दिखाता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगी। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी के मामले में ना मैंने इससे फास्ट स्टीरियो नहीं देखा आफ्टर मार्केट में। तो जैसे ही हम इस पे देखो ब्लूटूथ ऑन करा, मैंने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लिया, और ये देखो ब्लूटूथ
ऑन होते के साथ यहाँ पे आप चेक कर लो कि आ गया लिख के, और ये इसका एप्पल कारप्ले ऑन हो चुका है। और यहाँ से आप चेक कर लो, खाली ब्लूटूथ ऑन करने की देर है और उतने में ये फट से कनेक्ट होता है भाई, फट से। और जैसे ये देखो, और लैग भी नहीं है कोई भी। और ये अभी आपको मैं मैप चला के दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने जैसे कुछ भी सर्च करा, मेरी अभी लोकेशन ऑन नहीं है, चलो मैंने पार्किंग ऑन करा, देखो फट से खुल गया। किसी भी तरह की कोई, मैं फ्लैश बंद करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब देखो, अब मैंने मुंबई सेंट्रल खोला, ये देखो खुल गया। और दूसरा अभी और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। कुछ भी आप ना, मतलब कुछ भी सर्च करो भाई, फट से खोलता है ये। अभी मैंने ना इसके अंदर लोकेशन बंद करी है, मैं पहले लोकेशन ऑन कर लूँ, जो ये ऊपर बार बार ना साइन आता है लोकेशन का, मैं पहले ना इसके अंदर जो लोकेशन है मैं उसको ऑन कर लूँ। ये लो, ये मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी आप खुद देखो, मेरी खुद ना अपने आप उठाएगा ये लोकेशन, कुछ नहीं करना आपने। यहाँ से आप अपना म्यूजिक, ये देखो चला के दिखाओ, जेड लिंक पे चले गए, जेड लिंक पे जाके एक बार कनेक्ट हुआ, ये हो गया, देखो हो गया सर, ये लो हो गया जी, ये लो। हमने इस पे सर्च करा कॉफ़ी वगैरह, ये खुल गई, ये लो जी खुल गया फौरन। कोई भी ये बता दो, कोई भी लैग आ रहा है इसमें, ये लो। और जितना मर्जी इसको करते रहो, ये लो। देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ, अब ये इधर को लेफ्ट कर, ये देखो, ये लो ये लो ये लो माइनस, ये लो भैया। कोई है लैग बताओ मेरे को, और ये चले जाओ मैप में चले जाओ, लो ये लो, ठीक है। अब मैं यूट्यूब चला के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने ना अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया है, यहाँ से आप देख लो आईफोन कनेक्टेड हो चुका है, और अभी हम चलाते हैं इसके अंदर यूट्यूब। तो मेन तो यूट्यूब के ज़रिए ही पता लगता है कि स्टीरियो का लैग तो नहीं है, स्टीरियो अच्छा है या नहीं है, तो मेन तो इसके ज़रिए ही पता लगता है। ब्राइटनेस देख लो, कैमरे के ऊपर देख लो आप ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा है। खुल गया देखो जी, कोई लैग हो तो बता देना। ये लो लो, और हम इस पे लो, सब कुछ आपको करके दिखाऊंगा, ये देखो, और ये लो, लो NCS खोल दिया अभी मैंने, खुल गया। अभी मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ इसका, ये लो, और साउंड देखो आप, देखा साउंड देखो आप, साउंड की क्वालिटी देखो। और यहाँ से आप वॉल्यूम ज़्यादा और कम कर सकते हो, ये इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर हैं। अभी हम बैक गए, बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने नेविगेशन में जाना है, सीधा नेविगेशन ऑन कर लो, यहाँ से की प्रेस करो, सीधा नेविगेशन ऑन, ये देख लो आप। किसी भी तरह का कोई भी लैग नहीं है, मैं कोई नेविगेशन कार प्ले वगैरह नहीं ऑन कर रहा हूँ, इसके अंदर का जो गूगल वाला है वो कर रहा हूँ। अब यहाँ से ये देखो, ये मैंने नेविगेशन फिर ऑन करा, देखो हो गया, हो गया जी, ये लो। यहाँ से मैंने भर दिया पुणे, लो जी पुणे भर दिया, ये लो खुल गया जी। और यहाँ से आप कोई भी सिटी डाल दो भाई, इतना फास्ट उठाता है ना ये, मैं कह नहीं सकता। आप कंपनी का जो है ना उसको भूल जाओगे, इसको लगा लिया। और इसकी कॉस्ट भी मैंने आपको बता दी 12,000 रुपये में, बहुत अच्छा है भाई। आँख बंद करके ना आप ऑर्डर करो। और इसके अंदर एक चीज़ और है, थीम भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे थीम मैंने फ्रंट पे कुछ और लगाया हुआ है, ये तो इसके 5 थीम है, जो भी आप लगाना चाहो वो कर सकते हो। ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनका मैं आपको क्या बताऊँ। और वीडियो क्लियरिटी दिखा देता हूँ आपको, सॉरी मैं आपको वीडियो क्लियरिटी दिखाना भूल गया। यहाँ पर आप चेक करें, ये लो, शायद जो उसकी है क्लियरिटी असल में, ये लो। मैं कैमरे का लेंस साफ करता हूँ फिर आपको पता लगेगा। चेक करो भाई क्लियरिटी, चेक करो आप पहले। और ये देखो,
लो 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 भाई, क्लियरिटी चेक करो आप पहले, तभी तो मैंने ये लगवाया है। जब सेम चीज हमें यहां से आप प्रेस करोगे, ये देखो हो गया, यहां से आप बंद कर दो। तो भाई जब सेम चीज हमें क्या कहते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो में मिल रही है, तो हम क्यों कंपनी वाला लें? कंपनी वाला आप 30-40 हज़ार का लोगे, वही फंक्शन इसमें, वही फंक्शन उसमें। तो मेरे हिसाब से यार ये मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा, तो मैंने आपको बताया, मेरे को ना यही वैल्यू फॉर मनी लगा था, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे आप लोगों के कि कौन सा स्टीरियो है, कौन सा स्टीरियो, तो फुल मैंने आपका रिव्यू दे दिया आपको कि इसमें ये फंक्शन है, ये चीज़ें हैं, लैग फ्री है, कितना कौन कितना अच्छा रिजल्ट है इसका, सब चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई हैं। कोई ये नहीं है कि खाली बता रहा हूँ, हर चीज़ प्रैक्टिकल करके बताइए, बाकी आपकी मर्जी भाई। मेरे को ये स्टीरियो अच्छा लगा तभी मैंने लगा लिया, और लगा हुआ भी इतना अच्छा लगता है, जो भी इसको देखता है ना बार बार देखते ही रहता है कि कौन सी कंपनी का स्टीरियो है। तो भाई ये बता दो, मैं आपको ये कंपनी का नाम भी बता देता हूँ, TS10 Pro है। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक OLED डिस्प्ले वाला, एक दूसरी डिस्प्ले वाला। मैंने OLED डिस्प्ले वाला है, या प्रॉपर OLED नहीं कह सकते कि जो LG वगैरह कंपनी के वैसे नहीं, लेकिन बाकी स्टीरियो से बहुत अच्छा है भाई। और इसमें आप फ्रंट और बैक कैमरा लगवा सकते हो, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो अलग से आपको परचेज़ करना पड़ेगा, वो स्टीरियो का सिस्टम ही अलग है। तो मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं थी, और मेरे को नॉर्मल स्टीरियो चाहिए था जो लैग फ्री हो, तो मेरे को ये चीज़ मिली, तो मैंने ऑर्डर कर दी। और वीडियो मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसे उनकी पैकिंग होके आया था स्टीरियो मेरे पास। पेमेंट उनको पहले करनी पड़ती है, कैश ऑन डिलीवरी पे कुछ एक्स्ट्रा खर्चा है तो वो करने की ज़रूरत नहीं है भाई, बेधड़क होकर आप ऑर्डर करो, 4-5 दिन के अंदर आपके पास आपका स्टीरियो हो जाएगा। और बाहर कहीं से भी लगवा लो आप, 200-400-500 रुपये दे के लगवा लो। और मैं कह रहा हूँ इसका रिस्पॉन्स, मैंने ना इन्फिनिटी प्राइमस के कंपोनेंट और स्पीकर मतलब कोएक्सल लगाए हुए, उसका रिस्पॉन्स भी आप देख लो कितना अच्छा है, साथ में इसके मिल गया, बहुत अच्छा है यार, बेधड़क होकर आप लगा सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बाय।